SICO and SICAO series with Ticker Plant and NIFM, National Institute of Financial Markets. This is Sandeep Chandaria. Welcome you for a new strategy called as covered call strategy. ये covered call strategy क्या होती है? Let us see कि covered call strategy अपन कैसे use कर सकते हैं and how to anticipate. So take for example, if you are anticipating a movement in the stock, okay, downward move in the underlying asset. Okay, so example you have an asset, आपको लग रहा है कि भाई इसमें ज्यादा movement नहीं आएगा, ये यहाँ से नीचे आ सकता है. In a downward move, if you are expecting a downward move in an underlying asset, तो ये strategy अपन use कर सकते हैं covered call option. Okay, so covered call option में क्या होता है? You own shares of a company. Okay, if you are owning shares of a company, but in the near term you feel that the market is not going to rise. In the near term you feel that the market is not going to rise, or at the best it will, you feel that it will be sideways. तो अगर ये आपकी फीलिंग है तो, एंड और उसी में आपको ये भी थिंकिंग है कि मुझे कुछ पैसा आना चाहिए हर महीने, जिसको अपन बोलते हैं ना डिविडेंड के जैसा कुछ पैसा मिलना चाहिए. तो इनकम भी आनी चाहिए और मार्केट भी ऊपर नहीं जाना वाला है और साइडवेज रहने वाला है. अगर ये आपका एक्सपेक्टेशन है ना मार्केट से, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इज द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी. ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से आप पैसा बना सकते हो हर महीने लाइक अ डिविडेंड. एक अगर बंदा है ना जो आदमी रिटायर होने आ रहा है, एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत सिंपल, आपके पास का एक जूना पोर्टफोलियो पड़ा है, रिलायंस के शेयर पड़े हैं, स्टेट बैंक के शेयर पड़े हैं, कुछ पड़े और पोर्टफोलियो हिंदुस्तान लीवर का पड़ा है, हर बंदे के पास ऐसे कुछ शेयर्स पड़े, आपको चाहिए कि हर महीने ये पैसा दे मुझे शेयर्स, बिकॉज एक शेयर्स की आपको एप्रिसिएशन तो दे रहे हैं लेकिन हर महीने रिटर्न नहीं मिल रहा है. तो अगर आप ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी यूज करते हो ना, तो जहां पे आपके एक अंडरलाइंग एसेट के सामने आप एक आउट ऑफ द मनी का जाके कॉल बेच रहे हो. अब जैसे मैंने आउट ऑफ द मनी के बारे में बात की थी, इन द मनी के बारे में बात की थी, एट द मनी के बारे में बात की थी मेरे प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हम बोलते हैं ना कि जब मार्केट जहां है, एग्जाम्पल द मार्केट इज एट 11,800, सो 12,000 विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ द मनी, करेक्ट ना, बाहर है. इन द मनी क्या होगा? अगर 11,600 है तो वो इन द मनी है. और एट द मनी क्या होगा? अगर 11,800 का मार्केट है तो 11,800 आपका एट द मनी है. तो ये हो गया एकदम सिंपल तरीके से, मैंने इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी बता दिया. तो ये कवर्ड कॉल ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है उसके सामने एक आउट ऑफ द मनी का जाके ऑप्शन बेच रहे, कॉल ऑप्शन बेच रहे. वेरी वेरी सिंपल, यानी जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके सामने एक ऑप्शन बेच रहा हूं. अब हर महीने ये करने से मुझे फायदा क्या होता है कि अगर मार्केट विद इन द रेंज चल रहा है, एग्जाम्पल मैंने कोई चीज 1300 रुपए का रिलायंस खरीदा और रिलायंस पूरे महीने 1300 से लेकर 1400 के बीच में ही चला, तो अगर मैंने समझो 1500 रुपए का ऑप्शन बेच के रखा होता, तो 1500 रुपए का ऑप्शन बेचा हुआ जो 100 रुपया है वो हर महीने मुझे मिलेगा. नेक्स्ट मंथ वापस समझो, एग्जाम्पल रिलायंस क्लोजेज एट 1400, अगेन आई गो एंड सेल. सो दिस कैन बी डन एवरी मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन, इट लाइक अ डिविडेंड यू रिसीव एवरी मंथ. आपको हर महीने ब्याज दे रहा है पैसा, आपका पैसा, आपका जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है वो ब्याज, और आपका इसका रिस्क कुछ नहीं है. रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक मार्केट ये रेंज में चलेगा ये पैसा आपको हर महीने मिलेगा. जिस भी दिन मार्केट इसके बियॉन्ड गया तब जाके आपके लिए फर्स्ट टाइम एक रिस्क आएगी. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस. सो एंटीसिपेशन के ये डाउनवर्ड मूवमेंट है अंडरलाइंग एसेट के अंदर में, ये आपका फर्स्ट एंटीसिपेशन. क्या कर रहे हैं ये मैंने बताया कि कॉल ऑप्शन अपन जाके आउट ऑफ द मनी का बेच रहे हैं, ठीक है. और ये कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब तक आपका स्ट्राइक प्राइस नहीं टूटता. जैसे मैंने बोला ना कि अगर 11,800 का निफ्टी है और 12,000 का जब तक बाजार नहीं पहुंचेगा तब तक मुझे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मैंने 12,000 का ऑप्शन बेचा हुआ है. या एग्जांपल रिलायंस का 1300 है और 1500 बेचा हुआ है रिलायंस का ऑप्शन आउट ऑफ मनी का जाके कॉल, तो जब तक 1500 नहीं जाता तब तक मुझे कोई रिस्क नहीं है. तो जब तक ये नहीं जाएगा तब तक कोई रिस्क नहीं है. इसके ऊपर गया तो फर्स्ट टाइम इट विल बी अ ब्रेक. सो मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करूं तो शॉर्ट कॉल स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? जो लिमिटेड है, जो आपको प्रीमियम मिला, जो आपने कॉल बेचा उसका जो प्रीमियम मिला वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट. और आपका जो मैक्सिमम लॉस क्या है? अनलिमिटेड, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर जाएगा तो आपको लॉस आएगा. जब तक उसके बियॉन्ड नहीं जाता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है. और वो भी अनलिमिटेड ऐसे नहीं है, क्योंकि आपके पास में आपकी खुद का पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो तो वहां से आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा. बट बियॉन्ड दैट पॉइंट, बियॉन्ड दैट 12,000 रुपीज जो आपका निफ्टी का टारगेट है, या बियॉन्ड रिलायंस का टारगेट जो 1500 रुपीज है, उसके बियॉन्ड जब जाना चालू कर देगा तो आपको एक हिट आएगी जो कि आपका एडिशनल लॉस होगा. तब तक आपके पास कोई लॉस नहीं है, वो प्रीमियम आपका है. यू हैव टू पॉकेट दैट प्रीमियम एवरी मंथ. ओके, एंड व्हेन टू यूज दिस इज ऑफन एम्प्लॉयड व्हेन एन इन्वेस्टर हैज अ शॉर्ट टर्म न्यूट्रल टू मॉडरेटली बुलिश. यानी आपका व्यू क्या है? शॉर्ट टर्म न्यूट्रल है
या मॉडरेटली बुलिश व्यू है। जब भी आपके पास में ये व्यू है, ये आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, इसमें हर महीने पैसा मिलेगा, रिस्क भी लिमिटेड और रिटर्न भी अच्छा है। और ही टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द कॉल ऑप्शन टू जनरेट इनकम फ्रॉम द ऑप्शन प्रीमियम। मैं इसी को एक एग्जांपल टर्म में लेना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है कि मिस्टर ए है, जिनके पास शेयर है, समझो एग्जांपल मैं रिलायंस कर लेता हूँ, या कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी के है, जिसका भाव है 3850 रुपया, और ये एंटिसिपेशन है कि यह स्टॉक विल कम डाउन एट द सेम टाइम एंड नॉट गो अबाउट 4000, यानी 3850 का स्टॉक है, 4000 के ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा एंटिसिपेशन है। ओके, इन दिस एंटिसिपेशन ए को क्या करना है कि ए को ये करना है कवर द लॉस इन केस द स्टॉक वैल्यू गेट्स डाउनग्रेडेड, यानी यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मुझे कुछ लॉस का पैसा मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं हर महीने क्या करूँगा, एक 4000 का स्ट्राइक जाके बेचूंगा। तो जब तक 3850 और 4000 के बीच में बाजार है, मुझे कोई रिस्क नहीं है, 4000 हर महीने जाके बेचो। तो इसमें क्या होगा, जो ए को प्रीमियम रिसीव होगा, आज समझो 80 रुपया उसका प्रीमियम चल रहा है, तो ए को प्रीमियम रिसीव हो गया। सो 3850 का मेरा स्टॉक है और 80 रुपये का मेरा प्रीमियम है, वो प्रीमियम से मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एवरी मंथ आई विल बी रिड्यूसिंग माई कॉस्ट ऑफ माई परचेज। तो बेसिकली क्या हो गया, हर महीने आपके जो शेयर्स खरीदे हुए आपके पोर्टफोलियो पड़े, उसकी वैल्यू आप रिड्यूस करते जा रहे हो, आपके कॉस्ट आपकी कम करते जा रहे हो, आपका प्रॉफिट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो 3770 रुपये मेरा कॉस्ट बन गया, 80 रुपये मैंने उसमें से कम कर दिया। सो बेनिफिट किया, स्टॉक प्राइस स्टेज अबव एट और बिलो 4000, कॉल ऑप्शन विल जनरेट विल नॉट गेट एक्सरसाइज, यानी 4000 के नीचे है तो कोई एक्सरसाइज नहीं होगा ऑप्शन, और ए कैन रिटेन 80 रुपये, जो मेरा प्रीमियम है वो मैं रिटेन कर लूंगा एंड वो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। और स्टॉक प्राइस गोज अबाउ 4000, सो द कॉल ऑप्शन विल गेट एक्सरसाइज इन दैट सीनियरियो, ये जो मेरा 4000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज हो जाएगा और द बायर एंड द लॉस विल बी अपसेटेड फ्रॉम द स्टॉक प्राइस, वहां से मेरा यूज हो जाएगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जो मैंने स्टॉक का पैसा भरा, जो मेरा पेड है यानी 3850 रुपया, और जो प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ 80 रुपया, 3770 रुपया, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बियॉन्ड जो भी होगा फिर आई हैव टू वेट, दैट इज हाउ द सिस्टम विल वर्क। सो आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी फॉर अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू रिसीव एवरी मंथ सम मनी विदाउट लूजिंग मच एंड ही ओन्स अ पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में या तो आपके पास पोर्टफोलियो में शेयर होने चाहिए, या आपके पास में ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी के लिए आपने वो फ्यूचर्स खरीद के रखा है, या आपके पास में एक आपके पास पोजीशन है। जब तक ये नहीं है, ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना है, क्योंकि तब आप नेकेड हो जाते हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन कैन यूज दिस। इट्स अ लो रिस्क स्ट्रैटेजी, लो रिस्क गुड मनी अर्नर, जिसको बोलते हैं ना मंथली, हर महीने मुझे पैसे मिलने चाहिए, ये हर महीने और हर जगह हर महीने आप नया स्ट्राइक यूज करोगे, जहां मार्केट क्लोज किया उसके आगे का जाके स्ट्राइक यूज करोगे। सो आई थिंक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी एंड आई थिंक इन दिस सीरीज दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन। सो थैंक यू वेरी मच इन दिस सीरीज फॉर सीक्वेंस सिखाओ। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी कवर्ड कॉल ऑप्शन। यू प्लीज वेट फॉर माई न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।